हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं पटना आया हुआ था, तो अभी कोविड का सिचुएशन ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं जब पटना आया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फूड फ्रीकी होने की वजह से मैंने सोचा कुछ खाने की चीज़ें देखा जाए। तो अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कटलेट के लिए। तो अभी मैं आया हुआ हूँ बोरिंग कैनाल रोड में, बोरिंग रोड चौराहे के पास। अभी आप देख सकते हैं ये बजाज का ऑफिस है और साथ में मेंटोस का है। यहाँ पे एक नामी कटलेट वाले हैं, तो चलिए आज चले हम लोग कटलेट खाने। काफ़ी तारीफें सुने हैं, छोटे से है, इस पतली सी गली में। इसके आसपास का लोकेशन आप देख लीजिए, अंकुर होटल है नियर बाई लैंडमार्क पे, और ये पतली सी गली है। काफ़ी लोग अंदर खाते हुए दिख रहे हैं कटलेट। तो देखिए, ये कटलेट कॉर्नर के नाम से जाना जाता है ये जगह, और ये कुछ लोग हैं। कैसा कटलेट है भाई साहब? अरे भाई साहब, खाने दो। आप क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो? बोले तो खाने दो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है क्या कहना चाहते हैं? स्वाद ऐसा है कि लोग इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप क्या खा रहे भाई साहब? अंडा कटलेट। कैसा है ये स्वाद? बहुत अच्छा। कितने सालों से खा रहे हैं? बहुत सालों से खा रहे हैं। आप सोच सकते हैं। आप भाई साहब? हम तो वेजिटेरियन है। आप वेजिटेरियन? अच्छा, हम तो खाते खाते बड़े ही हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्वाद हम भी लेते हैं। पहले मैं आपको रेट लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी नॉमिनल रेट है, यदि आप देखिएगा तो इसका रेट काफ़ी नॉमिनल है। इसको मैं आपको टर्न करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली इसमें वेज चॉप है, कटलेट है, पनीर है, चिकन है, मटन फिश कटलेट एक चॉप, मटन गोली, मटन चॉप, वो सारी चीज़ें हैं। इसमें कंटेंट भी देख सकते हैं। ये क्या भाई सब चिकन वाला है? ये देखिए, मैंने अपने लिए चिकन का ऑर्डर किया था, चिकन चॉप का। आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ बनाने का प्रोसेस कैसा है। यहाँ पे जो है एक कटलेट बन रहा है, ये भाई साहब बना रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी जो हैं ये एक कटलेट बना रहे हैं, और इनको बनाने का रफ्तार देखिए फटाफट होते जा रहा है। औसतन कितने बन जाते हैं ये कटलेट डेली के हिसाब से? 3 घंटे दुकानदारी करते हैं सर। सोच लीजिए कितना चलता है कि ये सिर्फ 3-4 घंटे में, मतलब, और कस्टमर्स का लाइन लगा रहता है एज इट इज। चलिए बाकी मैं आपको खा के इसका स्वाद बताता हूँ। आइए भाई साहब, जरा पकड़िए एक बार, मैं भी स्वाद ले लूँ। तो आप धन्यवाद। एक भेज चॉप दे दीजिएगा, बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत बढ़िया स्वाद है। कहने का मतलब है जब भी पटना में बोरिंग रोड के साथ आइए, की तरफ आइए, ये कटलेट जरूर ट्राई कीजिए। आपको निराशा नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ जेन्युइन चीज खा रहे, चीप एंड बेस्ट। इसी के साथ अगला फूड के लिए जब हम लोग देखेंगे फिर आप लोगों को फिर बोलेंगे। वंदे मातरम।